हेलो स्टूडेंट्स, आज हम HTML के अंदर देखने वाले हैं कि एनिमेशन कैसे क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट करने के लिए आपको जो CSS है, ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट, उसका यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बता देते हैं कि एनिमेशन बनाने के लिए यहाँ पे CSS में दो प्रॉपर्टी होती है आपका, एक तो एनिमेशन ट्रांजिशन होता है, दूसरा ट्रांसफॉर्म। तो हम दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपका VS कोड ओपन कर लेते हैं। और VS कोड ओपन करने के बाद हम इसमें क्या एक फाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे फोल्डर होना चाहिए, ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर में हम यहाँ पे डी टाइप पे आके एक फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे हम लाइव करके एक फोल्डर बनाते हैं और इस फोल्डर को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये फोल्डर सेलेक्ट हो गया लाइव। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, HTML और CSS का यूज करना है। तो हम दो यहाँ पे फाइल क्रिएट करेंगे। तो न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML, और इसके बाद एक फाइल और बनाते हैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट CSS। ये दो फाइल क्रिएट करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। तो जैसा कि पहले अपन इंडेक्स फाइल पे आएंगे, HTML फाइल पे। HTML फाइल पे आने के बाद हमें HTML का सिंटेक्स राइट करना है। तो हम यहाँ पे और DOC टैब इसका यूज करेंगे और यहाँ से इनको अभी रिमूव कर देते हैं। ये डॉक्यूमेंट और इसका जो टाइटल है, टाइटल हम यहाँ पे एनिमेशन दे देते हैं। इसके बाद आएंगे बॉडी टैग पे। तो बॉडी टैग पे हम यहाँ पे डिव का यूज करेंगे, डिव। और इसका क्लास नेम, क्लास जो है वो आप यहाँ पे रखेंगे पेरेंट, और इसके अंदर एक क्लास डिव यूज करेंगे। और इसका क्लास नेम चाइल्ड, यहाँ पे आपको क्या करना है, चाइल्ड। तो ये हमारा जो HTML का सिंटेक्स है वो क्रिएट हो गया। कंट्रोल एस करते हैं। अब कंट्रोल एस इसलिए करेंगे, जैसे आप यहाँ पे आते हो तो ये आपको क्या दिख रहा है, व्हाइट कलर का सिंबल दिख रहा है। जैसे आप कंट्रोल एस कर, इससे पता चलता है हमारी फाइल अभी सेव नहीं है। आप कंट्रोल एस करोगे तो ये सिंबल यहाँ से क्या है, रिमूव हो जाता है। तो जब भी कोई चेंजेस आप अपनी फाइल में करते हो तो वो यहाँ पे क्या व्हाइट सिंबल आता है, उससे आपको यहाँ पे इंडिकेट करता है कि आपकी फाइल अभी तक सेव नहीं हुई है। और सेव कैसे करना है, कंट्रोल एस से, या फाइल पे जाके भी यहाँ पे आप सेव कर सकते हो, ये ऑप्शन है। अब इसके बाद इस फाइल को पहले रन करवाते हैं। तो रन करवाने के लिए हम आएंगे नीचे गो लाइव पे, या आप HTML का यूज कर रहे हो तो वो फाइल पे जाके आप उसे ओपन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ब्राउजर ओपन हो गया। अब ब्राउजर में टाइटल दिखा रहा है, यहाँ पे टाइटल क्या है, एनिमेशन, और ये ब्लैंक आ रहा है। हमने यहाँ पे बॉडी के अंदर 2 DB यूज किए हैं, फिर भी ये क्या ब्लैंक शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी हम डिव का यूज करेंगे तो डिव का यूज करने पर हमें क्या करना है, उसमें CSS अप्लाई करना पड़ेगा। जब उसकी आप विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर या उसका बॉर्डर देते हो तभी वो हमारे वेब पेज पर शो होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इंडेक्स डॉट CSS पे आते हैं। और इसमें आने के बाद पहले तो डॉट पेरेंट, ये क्लास नेम को हम कैसे राइट करते हैं, डॉट के बाद इसको लिख लेते हैं। और इसका विथ हाइट, तो विथ हम देते हैं विथ, जैसे दे मान लो 400, 400 px। और ऐसे इसकी हाइट पे आते हैं, हाइट को भी हम यहाँ पे कर देते हैं 400। अभी भी आप कंट्रोल एस करोगे तो ये शो नहीं होगा। यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर या बॉर्डर, दो में से एक कोई आप दे सकते हो। तो हम बैकग्राउंड कलर देते हैं और मान के चलो हम यहाँ पे इसको कोई एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल एस। फिर भी ये शो नहीं हुआ, हमने बैकग्राउंड कलर दिया। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इंडेक्स CSS फाइल होती है उस CSS फाइल को आपको इम्पोर्ट करना होता है आपकी अपनी HTML फाइल पे। तो हम आते हैं HTML फाइल पे।
और यहाँ पे हेड टैग के अंदर आएंगे, जो हेड एलिमेंट है, और इसके अंदर हमें लिंक करना है। तो लिंक टैग का यूज करेंगे, टाइप करते हैं। आप यदि यहाँ पे भी आप इस कंडीशन में नोट पैड का यूज करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सिंटेक्स पूरा राइट करना पड़ेगा। और एच आर ई एफ में तो हम जैसे डॉट स्लैश करेंगे तो हमारी CSS की फाइल शो हो गई, इसको हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो गई। अब जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे जो ब्राउजर है उसमें हमें क्या शो कर रहा है, यहाँ पे डिप शो कर रहा है। अब इस ये डिप हो गया, पेरेंट डिप है। अब यहाँ पे आना है हमें, अब चाइल्ड डिप जो है इसका भी यहाँ पे CSS अप्लाई करना है। तो चाइल्ड डिप में हम यहाँ पे पहले उसका क्लास नेम चाइल्ड, और इसके बाद इसके विथ हम देते हैं विथ 60px, और यहाँ पे हाइट आप कुछ दे दो, जैसे हाइट हाइट मान लो हम देते हैं 70px, और इसका भी हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। यहाँ पे कोई एक बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लो। कंट्रोल एस। तो ये जो डिव है, ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड शो हो गया, और इसके बैकग्राउंड में ये क्या है, पेरेंट है। तो ये दो डिव हमने यूज किया, इसको जैसे हमने स्टाइल दिया तो वो यहाँ पे शो हो जाता है। अब इसके बाद इसमें हमें ट्रांजिशन जो एनिमेशन देखना है, तो एनिमेशन में हमने आपको बताया यहाँ पे आप क्या करोगे, एक एनिमेशन, और एनिमेशन में आपको दो प्रॉपर्टी यूज होती है। पहला होता है आपका और ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, और दूसरा यहाँ पे यूज करते हैं ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। ये दो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांजिशन का, तो हम आते हैं यहीं पे। अब सब यहाँ पे आएंगे चाइल्ड पे, और चाइल्ड कंपोनेंट पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांजिशन, यहाँ पे ट्रांजिशन करते हैं, और ट्रांजिशन हम कर देते हैं जैसे यहाँ पे आपका ट्रांजिशन किस में होगा, आपको विड्थ और हाइट में आप दोगे। तो सबसे पहले हम विड्थ में देते हैं, विड्थ, और विड्थ हम कर देते हैं यहाँ पे 1s, कंट्रोल एस। तो ये अभी यहाँ पे शो नहीं होगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या कोई ना कोई इवेंट आपको देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पेरेंट पे आते हैं, और पेरेंट पे हम यहाँ पे इवेंट देंगे, यहाँ पे पेरेंट पे एक हॉवर इवेंट देंगे। जब माउस यहाँ पे लेके आए पेरेंट पे तो ये यहाँ पे ट्रांजिशन होना चाहिए। तो इसके लिए हॉवर प्रॉपर्टी होती है, तो हम यहाँ पे पेरेंट, पेरेंट के बाद कॉलन साइन आपको लगाना है, इसके बाद लिखना है हॉवर SOVER। इसके बाद यहाँ पे आप स्टाइल दे सकते हो। तो ये किस लिए होता है, ये यूज करते हैं हम यहाँ पे, जैसे इसको यहाँ पे आप वापस आओ, कॉलन साइन। अब आप दे सकते हो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, आफ्टर, बैकड्रॉप, बिफोर, कंटेंट, और भी यहाँ पे आओगे ब्लैंक, चेक्ड, डिजेबल और फोकस। यहाँ पे क्या बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, उनमें से हम कौन सा यूज करेंगे, हॉवर का। तो हॉवर में क्या होता है, जब माउस पॉइंटर आप पर्टिकुलर जिसमें आप ये दे रहे हो हॉवर, उसके ऊपर जब माउस पॉइंटर लेके जाओगे और इसके अंदर जो भी आप स्टाइल अप्लाई करोगे तो वो स्टाइल यहाँ पे शो होती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, माउस पेरेंट पे जब माउस लेके जाएं तो उसमें हम करना चाहते हैं जो विथ है, विथ, वो विथ यहाँ पे इंक्रीज हो जाए हमारा कम से 120 तक, या कुछ भी आप यहाँ पे हाई जो है वो दे सकते हो, कंट्रोल एस। अब माउस पॉइंटर लेके आते हैं, विथ हमारी यहाँ पे और पेरेंट पे लाएंगे तो विथ इसकी चेंज होनी चाहिए, लेकिन ये विथ किसकी चेंज होगी ये तो पता चले, हम माउस पॉइंटर कहाँ पे लेके जा रहे हैं, पेरेंट पे, लेकिन ये विथ जो चेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारा किसका, चाइल्ड कंपोनेंट का। अभी आप जैसे माउस पॉइंटर लाते हैं तो ये क्या होता है, आपकी जो विथ है वो ये क्या होती है, बैकग्राउंड यानी जो पेरेंट डिव है, इस डिव की साइज जो होती है वो 400, कितनी है यहाँ पे 400 विथ है, और जैसे माउस पॉइंटर लाते हैं उसके ऊपर तो ये क्या होती है, 120 होती है। लेकिन हम ये अप्लाई किस में करना चाहते हैं, चाइल्ड पे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, स्पेस करना है होवर के आगे, और यहाँ पे आपको लिखना है चाइल्ड, कंट्रोल एस करना है,
ये जो क्लास के नेम है वो देना है, जो भी नेम में आप क्लास नेम देते हो। अब इसके बाद जैसे माउस पॉइंटर, अभी देखो कहाँ पे माउस पॉइंटर हमारा बाहर है, और जैसे इसके अंदर आता है वैसे आप देख सकते हो ये चाइल्ड का जो डिप की साइज है यहाँ पे विथ वो इंक्रीज हो जाती है। माउस पॉइंटर बाहर लेके जाएंगे कम हो जाएगी, इसके अंदर लेके आएंगे तो बढ़ जाती है। हम 120 से इसको 200 करते हैं कंट्रोल एस। अब इसमें माउस पॉइंटर आप लेके आओ तो ये आपका 200 अप्लाई होगा, देख रहे हो। तो इस तरह से आपके यहाँ पे ये ट्रांजिशन यूज करते हैं। अब इसमें आगे बहुत कुछ देखेंगे। तो ये विथ में हो गया, और इसकी स्पीड कितनी है? अब ये स्पीड क्या 1 सेकेंड की स्पीड है। आप यहाँ पे आओगे तो चाइल्ड में हमने विथ में स्पेस दिया हुआ है, स्पीड दी है 1 सेकेंड। इसको हम कर देते हैं 5 कंट्रोल एस। अब आप इसमें माउस पॉइंटर लेके जाओ तो ये क्या होगा, और स्लो हो जाता है कंप्लीट होने में, यहाँ पे क्या है टाइम लेता है। इसको हम 2 करते हैं कंट्रोल एस, फिर माउस पॉइंटर आप लेके आओ। यदि आप इसको 0 करते हो कंट्रोल एस करो माउस पॉइंटर, तो ये तुरंत काम करता है, जैसे आप माउस पॉइंटर लाओगे वैसे फिक्स हो जाता है। तो हमें क्या ट्रांजिशन में हमें टाइमिंग देना पड़ता है। तो नॉर्मल हम कितना यूज कर 1 यूज करते हैं, तो आप देखोगे ये क्या है कुछ ऐसा आता है ट्रांजिशन। और यदि आप यहाँ पे क्या करते हो 2 करते हो, तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो स्पीड आपको कितनी रखनी है, तो ऐसा आप कर सकते हो। अभी ये काम कैसे कर रहा है, विथ में काम कर रहा है, हमको इसको काम करवाना है यहाँ पे हाइट में। तो आप विथ की जगह यहाँ पे क्या करो हाइट का यूज करो, यहाँ पे आप HEIGHT हाइट करो, और इसमें आप यहाँ पे भी हाइट कर दो हाइट कंट्रोल एस। अब इसमें माउस पॉइंटर लाओ तो अब आप देख सकते हो ये चेंजेस कहाँ पे जो ट्रांजिशन हो कैसा हो रहा है, टॉप टू बॉटम हो रहा है, यानी इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। तो ये प्रॉपर्टी हो गई एक। अब इसमें और भी चेंजेस करके हम देख लेते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, में चाइल्ड वाले पे अगर हम आए तो चाइल्ड में हम अभी क्या दे रहे हैं, ट्रांजिशन हाइट दे रहे हैं, और ट्रांजिशन अपन क्या है हाइट दे रहे हैं, और ये आपका 2 1 सेकेंड या 2 2 सेकेंड है। इसको आप अलग अलग भी दे सकते हो, कैसे आप दोगे उसके लिए सिंपल सा आपको करना है। हमने इस पे क्या हाइट जैसे दी है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे आ जाओ और इसमें आप करो ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन में पहले आप दे दो यहाँ पे जो भी आप हाइट विथ जिसमें करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे हाइट देते हैं हाइट कंट्रोल एस। अभी ये वर्क कर रहा है लेकिन ये फास्टली वर्क कर रहा है। अब इसमें हमें टाइम देना है, तो फिर से आप यहाँ पे ट्रांजिशन यूज करोगे, और इसमें ट्रांजिशन में ड्यूरेशन दे देते हैं। यहाँ पे क्या दोगे ड्यूरेशन कितना टाइम लगे, और जैसे यहाँ पे हम देते हैं 1 ड्यूरेशन में 1s, ऐसा आप दे सकते हैं। ओ ट्रांजिशन ड्यूरेशन एक प्रॉपर्टी होती है, वो भी आप यहाँ पे ट्रांजिशन ड्यूरेशन ये प्रॉपर्टी होती है, इसका आप यूज करोगे। और इसमें 1s कंट्रोल एस करो माउस पॉइंटर लाओ, तो ये 1 के स्पीड के यहाँ पे जो इसकी स्पीड होगी वो इसको कंप्लीट कर, जो ड्यूरेशन है यानी 220 हाइट जो है इसको कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा आपका, 1 सेकेंड लगेगा। तो ये ड्यूरेशन हम प्रोवाइड करते हैं ऐसे। इसको आप विथ में भी देख लिए, तो इसमें आप चेंजेस हमने क्या किया, फर्स्ट वाले में हम क्या कर रहे थे ट्रांजिशन के अंदर ही हम पहले तो प्रॉपर्टी देख रहे थे कि हमें किस साइड पे यानी हाइट पे चेंज करना है विथ पे चेंज करना है वो हम देते हैं। दूसरा हम सेकंड प्रॉपर्टी उसमें दे रहे थे टाइमिंग का, कि उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा। लेकिन HTML में क्या होता है, यहाँ CSS के अंदर आपको ट्रांजिशन के साथ ट्रांजिशन ड्यूरेशन की भी प्रॉपर्टी मिलती है, जहाँ पे जो टाइमिंग है वो आप अलग से दे सकते हो। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, और इनमें से कोई भी आप 2 में से एक यूज कर सकते हो। लेकिन जब HTML CSS आपको ड्यूरेशन प्रॉपर्टी दे रहा है, तो आप उसमें ड्यूरेशन प्रॉपर्टी
यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे और भी चेंजेस आते हैं, वो हम करके देख लेते हैं। अब ड्यूरेशन का हमने देख लिया कि ड्यूरेशन में आप क्या है, यहाँ पे अभी स्पीड इतनी है। आप यदि यहाँ पे क्या करते हो, फाइव करते हो, कंट्रोल एस करो, तो ये 5 के हिसाब से यहाँ पे इंक्रीज होगा। आप यदि 5 की जगह यहाँ पे 10 कर दो, कंट्रोल एस करो, माउस पॉइंटर इस पे लेके आओ बॉडी टैग के पैरेंट डिप के अंदर, ठीक है? तो ऐसे आप कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे आता है कि यदि आप साइज यहाँ पे इंक्रीज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे हमने देखा यहाँ पे साइज कितना दिया, अभी 220 दिया, हम इसको जैसे 400 कर देते हैं। अगर पूरा कंप्लीट करवाना है 400 करते हैं, कंट्रोल एस, माउस पॉइंटर, ठीक है? तो ये आपका कहाँ पे जो लास्ट आपका डिप है, जितने डिप की साइज है, ये डिप की साइज कितनी थी, हाइट यहाँ पे 400, तो ये 400 तक यहाँ पे मूव करता है। अगर हम 400 से यहाँ पे ज्यादा दे दें, मान लो हम यहाँ 6 दे दें, कंट्रोल एस करें, फिर क्या होता है, ये आपका डिप के बाहर जाएगा। लेकिन हमें क्या है, आपके पर्टिकुलर डिप के अंदर रखना है, तो आपको फिक्स साइज देना पड़ेगा। उसके अंदर की जो साइज है, कम साइज, वो आप दे सकते हो, लेकिन आपको अगर उसके बाहर इंक्रीज भी करना है वो आप कर सकते हो। तो ये हुआ। इसके बाद यहाँ पे आता है कि अभी क्या इंक्रीज हो रहा है आपका, यहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहा है सिर्फ या तो हाइट इंक्रीज हो रहा है या तो विथ इंक्रीज हो रहा है, दो में से एक ही हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें क्या है, दोनों एक साथ करना है कि हाइट भी इंक्रीज हो और आपका यहाँ पे क्या हो, विथ भी इंक्रीज हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो आप आओगे चाइल्ड पे, चाइल्ड कंपोन, ये चाइल्ड जो आप क्लास यूज किए हो, और इसमें आप ट्रांजिशन पे आ जाओ। और ट्रांजिशन आप क्या करोगे, यहाँ पे ड्यूरेशन आप इसको 1 सेकेंड रहने दो, 1 सेकेंड नहीं, चलो इसको 10 ही रहने दो, और इसमें पहले आप विड्थ दे दो, विड्थ दे दो और हाइट, इसको कॉमा करके ये दोनों दे दिए, कंट्रोल एस करो, और इसमें भी आपको देना पड़ेगा 400 हम कर रहे हैं, और इसको भी यहाँ पे विड्थ, विड्थ भी हम सेम करते हैं, कंट्रोल एस करो। अब इसको माउस पॉइंटर आप लेके आओ, ठीक है? तो ये कुछ ऐसा काम करेगा, जैसे माउस पॉइंटर मूव करोगे यहाँ पे कम हो जाता है, उसके ऊपर माउस पॉइंटर लाओगे तो वो यहाँ पे फील करेगा। तो ये होती है यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में बैकग्राउंड कलर वगैरह है, वो भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम क्या करें, होवर पे इसमें आ जाएं, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे इसका चेंज कर देते हैं। हेलो, ये हो जाए ऐसा कलर हो, कंट्रोल एस। अब जैसे आप माउस पॉइंटर लाओगे ये कलर चेंज हो गया, तो इंक्रीज भी हो रहा, कलर भी चेंज है। जैसे माउस पॉइंटर रिमूव करोगे वो पहले वाला कलर आएगा, यानी इस माउस पॉइंटर लाने पे वो कलर चेंज हो रहा है, जैसे रिमूव करते हो कलर यहाँ पे हट जाता है। अब यदि हमको सिर्फ कलर ही चेंज करना है तो हम विथ और हाइट यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, अब होवर करते हैं, तो जैसे आप माउस पॉइंटर लाते हो कलर चेंज होता है, हटाते हो तो ये क्या है, पहले वाला कलर। ये भी आप ट्रांजिशन में दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आता है कि ये तो बैकग्राउंड का कलर का हो गया, कलर में हम और भी कुछ देख लेते हैं इसमें। और हम जैसे विड्थ हो गया, हाइट हो गया, और एक यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन करके, उसका यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे हम आते हैं इसमें चाइल्ड के अंदर, और चाइल्ड पे आने के बाद अब इस पे क्या करते हैं, ट्रांजिशन,
ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। ये इसका यूज करेंगे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन का। अब इसके अंदर आप आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलती हैं। यहाँ पे क्या है, आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलेंगी, आप इनका यूज कर सकते हो। जैसे इज है, इज इन आउट, इज है आउट, ऐसी क्या है, ये बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं तो आप इनका यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इनमें क्या यूज करेंगे, इज का यूज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर हमने दे ही दिया है चाइल्ड पे, कंट्रोल एस करते हैं। अब माउस पॉइंटर लेके आते हैं, अभी सिर्फ कलर है, इसके विथ और हाइट भी यहाँ पे अनकमेंट करते हैं। ये आपका जैसे माउस पॉइंटर रिमूव करते हो, इसमें आपको देखना क्या है, यहाँ पे हम इसको 10 से 1 करते हैं, कंट्रोल एस, माउस पॉइंटर लेके आओ, फास्टली आया। ईज में क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगा। इसको जो ट्रांजिशन का टाइमिंग है वो क्या है, फास्टली आता है और फिर यहाँ पे रिमूव होता है, यानी स्टार्टिंग में क्या फास्टली आएगा, और जैसे आप माउस पॉइंटर यहाँ से रिमूव करोगे तो ये क्या यहाँ पे लास्ट में जो है इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो ये इज में इज प्रॉपर्टी होती है इसमें। इसके बाद यहाँ पे जो सेकेंड प्रॉपर्टी होती है वो आप यूज करके देख लो, इज इन और इज इन, इज इन आउट, तो इनके आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम इज आउट का देखते हैं, कंट्रोल एस, माउस पॉइंटर लेके आओ, फास्टली आया। अब ये यहाँ पे तो ये क्या है, इसकी स्पीड पे फर्क पड़ता है। यदि आप, इसका नाम ही है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, यानी कैसा, यानी स्टार्टिंग क्या फास्टली होगी, ये आराम से आया, और गोज कैसे होगा फास्ट, इज इन में क्या हो रहा है, आराम से आएगा और जाएगा कैसे, फास्ट जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होती है। ऐसे यहाँ पे इज इन होता है, कंट्रोल एस करो, ये यहाँ पे आया और इसके जाने का, यानी स्टार्टिंग कैसे हो रही है, आराम से, लेकिन जैसे लास्ट वो कंप्लीट होता है वो फास्ट हो जाता है। ऐसे ये देखो आराम से गया, लास्ट में फास्ट हो गया, ये इज इन में होता है। ऐसा आपका इज आउट आप देख सकते हो, कंट्रोल एस, तो इसके क्या है, ये आपके ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी होती है, इन प्रॉपर्टी का आप यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देख लिया हमने इज इन, ये इज में हमने कितनी प्रॉपर्टी देखा, इज में आपको 4 प्रॉपर्टी मिलेगी, एक तो इज, इज इन, इज आउट और इज इन आउट, इन चारों प्रॉपर्टी का आप यूज कर सकते हो। इसके बाद आते हैं, तो जैसे हम यहाँ पे किसी इमेज का यूज कर लें, तो इमेज के लिए हम सबसे पहले इसमें एक इमेज लेके आते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई इमेज लेके आते हैं, तो फाइल पे, लेकिन यहाँ पे इमेज है नहीं, इस पे अपन फोल्डर पे जाएंगे, पिक्चर पे, सीएसएस, में डेस्कटॉप के अंदर हमारी कुछ फाइलें हैं और मॉक, अच्छा ये इमेजेस है, इनका यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, 2 इमेज हम कंट्रोल सी करते हैं और इनको पेस्ट कर लेते हैं अपने फोल्डर में, डी ड्राइव के अंदर यहाँ पे एक फोल्डर बनाया था हमने, इसे हम पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल एस, और इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फाइल जो इमेजेस हैं ये सो हो गई। अब इन इमेजेस को हम रखेंगे, सबसे पहले तो हम आते हैं इंडेक्स टैग पे, एचटीएमएल फाइल पे,
और यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, इमेज का। तो इमेज का यूज कैसे करते हैं, यहाँ पे इमेज टैग का यूज करना पड़ेगा। इसको हम यहाँ पे क्लोज करें और यहाँ पे हम यूज करेंगे img टैग। और img टैग में हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे इसमें हम देते हैं सोर्स src, और सोर्स में .slash किसी एक इमेज का दे दो। इसके बाद इसको यहाँ पे क्लोज करना है कंट्रोल एस। ये इमेज यहाँ पे शो हो गई आपकी। अब इसके बाद हमें इस पे करना क्या है, इमेज पे ट्रांजिशन। अभी हम क्या देख रहे थे, चाइल्ड पे ट्रांजिशन, लेकिन चाइल्ड डिप पे, लेकिन हमें इमेज पे देखना है। तो इमेज के लिए हमें क्या करना है, इंडेक्स डॉट सीएसएस पे आएंगे और यहाँ पे हम आके जो इमेज टैग है, तो इमेज क्या टैग है, तो उसके लिए आपके डॉट या हैच का यूज नहीं करना है। आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखोगे, img, और इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में विथ और हाइट, विथ कॉमा हाइट, ये दोनों देना है। और इसके बाद यहाँ पे हमें क्या देना है, ये ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ये हम एक साथ भी दे सकते हैं यहाँ पे। इसमें अगर विथ हमको 1s करना है ड्यूरेशन, और ऐसे ही हमें यहाँ पे क्या करना है, इसमें भी हम 1s करना है, तो ये आप कर सकते हो। और यदि आप इसका यूज करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, कंट्रोल सी करो तो आपको अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा, कंट्रोल भी, और ये 1s आप दे सकते हो। तो पहले हम उसका देख लेते हैं। अभी आप कंट्रोल एस करोगे, माउस पॉइंटर यहाँ पे लेके आओ, तो ये क्या वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई ट्रिगर देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे आएंगे पेरेंट पे, और पेरेंट पे एक हॉवर प्रॉपर्टी जो होती है वो हमने देखा, उसे देते हैं पेरेंट। और इसके बाद हॉवर, और हॉवर में कौन, किस में, इमेज के, इसके अंदर जो इमेज यूज है उसमें हम अप्लाई करेंगे। अब इसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं इमेज पे, तो इमेज पे हम जो विथ होती है, विथ और हाइट इंक्रीज किया, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे विथ और हाइट पे, वो हम कर सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, विथ और हाइट हो गया, कंट्रोल एस। अब आप माउस पॉइंटर लेके आओ, तो ये क्या है, एक साथ ही स्पीड हो इंक्रीज हो रही है। तो इसको हम यहाँ पे 400, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, और इसको भी कंट्रोल जेड, कंट्रोल एस। तो अभी क्या, एक साथ ही इंक्रीज होगा, इसका ट्रांजिशन ड्यूरेशन जो है ये 1s है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हम इसको यहाँ पे कर देते हैं 10, कंट्रोल एस माउस पॉइंटर। तो इमेज विथ और हाइट dth, इमेज की यहाँ पे साइज है, इसकी साइज आपकी कहाँ पे है, हम दे रहे हैं 400, ठीक है, हॉवर पे दे रहे हैं, यहाँ पे भी हम दे देते हैं विथ, विथ दे देते हैं मान लो 100, 60px, और हाइट इसको 60px, कंट्रोल एस। तो ये 60px जो आपका हाइट है, 60px में दिखा रहा हाइट और विड्थ। हम इसके ऊपर माउस पॉइंटर लाते हैं, तो ये आपका यहाँ पे देख सकते हो उसी स्पीड से इंक्रीज होगा, क्योंकि ये 10 सेकेंड है। अपन यहाँ पे अगर इसको 5 करें, कंट्रोल एस, अब लेके आओ माउस पॉइंटर, ठीक है, तो ऐसा इंक्रीज होता है। तो इसको, इस प्रॉपर्टी को आप क्या कर सकते हो, इमेज में भी यूज कर सकते हो, लेकिन इमेज में आपको ध्यान रखना है उसकी जो हाइट विथ है वो आपको देना पड़ेगा। यदि हाइट विथ आप नहीं देते हो, इमेज तो शो हो जाती है जितनी साइज होती है उसकी, लेकिन हाइट विथ नहीं देते हो, तो ये ट्रांजिशन उस पर वर्क नहीं करता है। तो इसके लिए आपको पहले हाइट विथ देना है, इसके बाद आपको ट्रांजिशन की जो किस में आप देना चाहते हो, विथ में या हाइट में। जैसे हम इसको यदि रिमूव कर देते हैं यहाँ से,
तो अब ये हाइट में काम करेगा, ये क्या होगा, कुछ ऐसा काम करेगा, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा क्यों कर रहा है, पहले तो विथ उसकी हो रही है 400, इसके बाद ये आता है नीचे, इसके बाद माउस मूव करते हो तो वो आपका कुछ ऐसे इंक्रीज होते हैं। ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे, और ट्रांजिशन में हाइट दिया है, और यहाँ पे हमने क्या किया है हॉवर में हाइट विथ दोनों पास किए हैं, तो यहाँ पे विथ को हमें क्लोज करना पड़े, कमेंट बनाना है या रिमूव करना है। आप देखोगे तो ये क्या है, सिर्फ हाइट में होगा, हाइट में ट्रांजिशन होगा, माउस पॉइंटर रिमूव करोगे तो ये हट जाए, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे काम करता है। तो आप इसको पर्टिकुलर डिप में या इमेज में आप यूज कर सकते हो। और इसमें जो हमने प्रॉपर्टी देखी आपका एज इन एज आउट, तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम कुछ और देख सकते हैं, और इसको अगर इंस्पेक्ट करें यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे करें कंट्रोल एस, तो ऐसा होगा। यहाँ पे हम विथ भी देते हैं, विथ अभी ये ऐसा इंक्रीज होगा, ठीक है। इसको हम राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ देखते हैं। अब इंस्पेक्ट करने पे इंस्पेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, कुछ फंक्शन में देखते हैं, इंस्पेक्ट में पिक्चर, और एक कुछ चलो ठीक है, अभी इसको बाद में देखते हैं। अभी फिलहाल हमें क्या जो ट्रांजिशन देखना था, तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हमने देखी कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का कैसे यूज करते हैं एनिमेशन बनाने में। इसके बाद यहाँ पे और भी चीजें आती हैं, और जिसमें आप क्या कर सकते हो, और डिप को हाइड कर सकते हो, यदि आप उसको हाइड कर रहे हैं वो आप कर सकते हो। जैसे आप अभी यह इमेज है, इमेज को ही आपको हाइड करना है, वो आप कर सकते हो। तो हम इसकी जगह क्या करेंगे, HTML फाइल पे आते हैं, इसको कमेंट करते हैं इमेज को, और डिप को यहाँ पे अनकमेंट करके कंट्रोल एस, ये डिप का ट्रांजिशन वर्क कर रहा है। अब हम चाहते हैं जैसे हम इस पे माउस पॉइंटर लाएं, तो ये जो डिप है चाइल्ड डिप, ये यहाँ पे क्या रिमूव हो जाए, तो ये कैसे होगा। इसके लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे आना है, और इसमें जो बैकग्राउंड कलर है, और इस पे आप आओगे चाइल्ड पे, या आप यहाँ पे क्या आओगे हॉवर पे, चाइल्ड जो प्रॉपर्टी है, चाइल्ड के अंदर आपको इसका क्या करना है, हाइट विथ यहाँ पे रिमूव कर देना है, और इसमें जो कलर है वो कलर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कलर हम यहाँ पे RGBA का यूज करते हैं, और इसमें हम 0 0 0 ये हम यूज करते हैं यहाँ पे। कंट्रोल एस, तो इसमें आप देख सकते हो जैसे आप माउस, ये हमने क्या किया, सिर्फ बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी में ये 0 0 दे दिया है। अब जैसे इसके ऊपर माउस पॉइंटर लाते हैं वैसे ये डिप रिमूव हो जाते हैं। आप इसकी साइज यहाँ पे इंक्रीज कर लो, जैसे और इसको कर लो 100, इसको भी 100, कंट्रोल एस, ये आपका डिप दिख रहा है, ये चाइल्ड डिप जो ब्लू कलर में है,
और जैसे ही आप माउस पॉइंटर लाते हो यहाँ पे, वैसे ही आप यहाँ पे हाइड हो जाते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, या फिर स्टार्टिंग में ना दिखे आपको, स्टार्टिंग में क्या करो, यही कलर कॉपी कर लो कंट्रोल सी, और इसमें जो कलर है कंट्रोल भी करो, और ये कलर वाले को यहाँ पे, इसको यहाँ पे कॉपी कर लो कंट्रोल सी करो, और यहाँ पे इसको कमेंट कर दो। ऐसे हम इसको यहाँ कमेंट करते हैं और इस कलर को यूज करते हैं कंट्रोल बी कंट्रोल एस। अभी के देखोगे कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ कोई भी बॉक्स नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही माउस पॉइंटर लाते हो वैसे बॉक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी आप बना सकते हो। तो ये होता है ट्रांजिशन आपका, और ट्रांजिशन में मेन जो चीज होती है वो आपका होता है स्क्रॉल का, कि स्क्रॉल कैसे होता है। तो ये तो कलर अलग हो गया, स्क्रॉल में हमने मेन देखा आपका विथ, विथ हम जैसे 400 px कंट्रोल एस, जैसे इस पे आपका भी हाइड आ रहा है कंट्रोल एस। अब इसमें जो ये ट्रांजिशन होता है, ये होता है आपका ट्रांजिशन। ठीक है, अब इसके बाद आता है ट्रांजिशन के बाद, ट्रांजिशन में आप टाइमिंग देते हैं, टाइम ट्रांजिशन ड्यूरेशन। अब हमें देखना है ट्रांसफॉर्म, कि ट्रांसफॉर्म क्या होता है। हम यहाँ पे एनिमेशन में देखेंगे कि अपन क्या है, यहाँ पे ट्रांजिशन हो गया, अब ट्रांसफॉर्म कैसे काम करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे डिव हमारा क्रिएट है, और ये जो चाइल्ड प्रॉपर्टी है इनको हम यहाँ पे सभी को यहाँ पे कमेंट बना देते हैं। ठीक है, ये नहीं हुआ, और ऐसे ये है, अबे इनको ये क्या, सब कमेंट बन गए, अभी लास्ट में ही बचा हुआ है, ये हो गया। ठीक है, कंट्रोल एस। तो अभी हमारी स्क्रीन क्लियर है, और हम इसमें क्या है, सिर्फ दो डिप का यूज कर रहे हैं, वो डिप हमें यहाँ पे शो कर रहा है, इमेज को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब इसके बाद आते हैं इंडेक्स और सीएसएस पे, और यहाँ पे हमें क्या देखना है आपका, इसमें देखना है हमें ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, और ये किसकी प्रॉपर्टी है आपका, एनिमेशन में, एनिमेशन क्रिएट करना है हमें सीएसएस में, उसके प्रॉपर्टी। अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें हम पेरेंट और चाइल्ड दोनों का यूज करेंगे। तो पहले पेरेंट और ENT, और पेरेंट का विथ और हाइट होता है, तो ये विथ देंगे हम, विथ हम दे देते हैं जैसे वही 400 px। ऐसे हम आते हैं हाइट पे, हाइट भी हम दे देते हैं 400 px। ये क्या है, हाइट और विथ हम यहाँ पे दे देते हैं, और इसके बाद यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कोई कलर एक सेलेक्ट कर लो कंट्रोल एस, तो ये आपका शो हो गया। अब बैकग्राउंड कलर के बाद यहाँ पे हम आते हैं चाइल्ड पे, इसमें कहाँ आएंगे, चाइल्ड पे, और चाइल्ड पे भी हमें विथ और हाइट देना पड़ेगा। तो हम विथ देते हैं, विथ हम यहाँ पे कर देते हैं जैसे 60 px, और ऐसे आप हाइट पे आ जाओ तो हाइट भी हम सेम ही रख देते हैं, आप 60 20 जितना भी करना हो ऐसा रखना है कि जो बॉक्स शो होना चाहिए। अब इसमें देना पड़ेगा आपका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल एस, रेड, ठीक है ये चलेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या किए, पेरेंट और चाइल्ड में जो प्रॉपर्टी होती है वो दे दिए, तो दोनों जो डिप टैग होते हैं वो यहाँ पे शो हो गए। अब इसके बाद आपको आना है कहाँ पे, पेरेंट के हॉवर प्रॉपर्टी में, यहाँ पे आप एक नई प्रॉपर्टी यूज करो, ये वही सेम पेरेंट, और पेरेंट में यदि आप माउस, क्योंकि टिगर की जरूरत है हमें तभी ये ट्रांजिशन एनिमेशन काम करते हैं, और इसके बाद चाइल्ड, चाइल्ड पे जाओगे। अब चाइल्ड पे हमें क्या, अभी हमने क्या यूज किया है ट्रांजिशन, अब हमें ट्रांसफॉर्म देखना है। तो ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म हुआ, ट्रांसफॉर्म कैसे होगा,
एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन ऐसे होता है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में आपको ट्रांसलेट आता है। ट्रांसलेट क्या करना है, एक्स एक्स डायरेक्शन, और रुक जाओ एक सेकेंड, टी आर ए ट्रांसलेट, यहाँ पे आप देखोगे ट्रांसलेट एक्स वाई जेड, तीन तीन डायरेक्शन आ रहे हैं, तो हम पहले यहाँ पे यूज करेंगे ट्रांसलेट एक्स का। अब ट्रांसलेट एक्स में हमें क्या करना है, इसको 100% करते हैं, ठीक है। और इसके बाद कमेंट, और हम यहाँ पे क्या कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस हुआ, माउस पॉइंटर लेके आते हैं, तो ये क्या हो रहा है, अभी हमने ट्रांजिशन जो ट्रांजिशन देखा था, तो उसमें क्या हो रहा था आपका, वो फिक्स रहता था, उसकी साइज इंक्रीज होती थी, वो साइज इंक्रीज या डिक्रीज होती थी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आप देखो जो डिव है वो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, या आपका 100% मूव हो रहा है। तो 100% मतलब कितना है, ये आपका 60, यहाँ पे कितना है 60px है, और 60px मूव होके नेक्स्ट आ जाता है 120, इसकी 60px के बाद आता है, जो यहाँ पे स्पेस है वो कितना है 60px का आ रहा है, उसके बाद वो शिफ्ट हो रहा है। तो ये होता है ट्रांजिशन आपका एक्स में। ऐसे आपको ट्रांसफॉर्म, अभी इसमें हम बहुत चीजें देखने वाली हैं, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म में हम क्या देखेंगे, ट्रांसलेट ट्रांसलेट हम देखेंगे वाई, और वाई हम करते हैं वही सेम 100%, ठीक है। और इसके बाद हम करते हैं फर्स्ट वाले पे आके इसको कमेंट एक्स वाले की, कंट्रोल एस। अब आप माउस पॉइंटर लेके आओ इस पे, तो ये क्या हो रहा है आपका, वाई डायरेक्शन में, यहाँ पे वाई एक्सेस में मूव हो रहा है, ठीक है। ऐसे जो तीसरी प्रॉपर्टी उसको हम यहाँ पे देखते हैं, इसको यहाँ पे हम क्लिक करें, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म, और इसके बाद ट्रांसलेट, ये हम करते हैं जेड, और यहाँ पे भी करते हैं 100%, कंट्रोल एस। अब यदि माउस पॉइंटर लेके आते हैं, तो अभी ये मूव नहीं होगा, ये मूव नहीं होगा, इसको हम यहाँ पे क्लोज करें अभी, और एक्स और वाई को एक साथ देखते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। यहाँ पे अभी क्या, लास्ट में जो प्रॉपर्टी है वाई काम कर रहा है, एक्स नहीं कर रहा है, तो ये चीजें भी हम देखते हैं यहाँ पे। तो अभी जो आप बेसिक देखना था, बेसिक ये जेड नहीं काम करते, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, क्योंकि ये टू डायरेक्शन में ही काम करे, एक्स में या तो वाई में। तो क्योंकि यहाँ पे क्या फिक्सल्स यूज होते हैं, और फिक्सल्स आपका स्क्वायर फॉर्म में होते हैं, तो इसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स होता है और वाई, ये हमने देख लिया ट्रांसफॉर्म का। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें कुछ अलग चीजें, जैसे यहाँ पे जो बिथ है आपकी चाइल्ड की बिथ, वो चाइल्ड की बिथ हम चेंज करके देखते हैं। वो चाइल्ड की बिथ यदि आप यहाँ पे जितना इंक्रीज करोगे, उतना वो टेक्स्ट वहां पे क्या होता है, मूव होता है। तो हम यहाँ पे आते हैं, जैसे इसमें हम आएंगे आपका चाइल्ड की बिथ पे, और यहाँ पे 100px, और इसको भी हम कर देते हैं 100px, कंट्रोल एस। अब ये हो गया, अब जैसे आप माउस पॉइंटर लाओगे, तो ये आपको उतनी ही साइज में मूव होगा। अब क्या, ये क्या हो रहा है, जैसे उसकी साइज कितनी 100% है, 100% मूव होगा। और यदि आप इसमें क्या कर देते हो, जो चाइल्ड की विथ है, ये हम अगर 50% करते हैं, 50%, कंट्रोल एस, ये 50% की किसके बेस पे आ रहा है आपका, जो पैरेंट डिव है, पैरेंट डिव की साइज कितनी है, 40px है, और इसका 50% कितना होगा, 200px, तो इसकी जो साइज है वो कितनी है, 200px। अब जैसे माउस पॉइंटर लाओगे, तो ये आपको मूव कर रहा है, और एक सेकेंड, आप किस में यूज कर रहे हो, इसमें वाई काम कर रहा है, इसको एक्स पे करते हैं। अब इसमें देखो, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यदि आप इसके जो हाइट है, इसको 50% करते हो, ये 50% करो, और यहाँ पे एक्स को क्लोज करके वाई को स्टार्ट करो, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे जैसे आप माउस पॉइंटर लाओगे, तो ये आपको मूव होता है, ठीक है। तो इसमें हम एनीवे इसको हम राउंड करके भी देखेंगे, अभी ये क्या हो रहा है, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है।
और हमें अगर इसको राउंड करवाना है अपने सर्किल पे यहाँ पे, तो वो कैसे होगा, वो चीजें भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहले सिर्फ सिंपल से समझना है कि यदि हमें एक्स डायरेक्शन में मूव करना है तो किसका यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट एक्स प्रॉपर्टी का, और यदि हमें वाई डायरेक्शन में मूव करवाना है तो किसका यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई प्रॉपर्टी का। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, वो आप यहाँ पे सीखो। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं एक प्रोजेक्ट टाइप में बना के देखते हैं। तो इसमें आप क्या करो, हाइट और विथ 50%, इसमें हम करते हैं ठीक है, हाइट और विथ ये ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है होवर में, एक्स और वाई को हमने देखा, और यहाँ पे एंटर करो, और इसमें आप देखो ट्रांसफॉर्म में एक और प्रॉपर्टी आती है, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में बोलते हैं एस क्यू, एस क्यू। अब एस क्यू एक्स के बेस पे करना है या वाई के बेस पे, वो आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे एक्स और वाई दो प्रॉपर्टी है, तो पहले हम इसमें देखें एक्स पे, और एक्स पे हम देते हैं, यहाँ पे डिग्री देना पड़ेगा, कितने डिग्री आपको रोटेट करवाना है, तो हम देते हैं 40 और डिग्री DEG ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, आप माउस पॉइंटर लेके आते हैं इस पे, तो जैसे ही आप माउस पॉइंटर लाओगे तो ये आपको डिप क्या हो रहा है, जो 40 डिग्री है वो मूव हो रहा है। आप इसका अगर और 90 डिग्री करो, कंट्रोल एस करो, ये 90 डिग्री में यहाँ पे रिमूव हो जाता है, क्योंकि वो 90 डिग्री क्या पूरा रोटे हो। 40 की जगह हम 85 करके देखो, कंट्रोल एस, तो ये आपके 85 में ऐसा रहेगा ठीक है। वो 90 में क्या होता है, आपका बाहर चला जाता है, 85 में ऐसा हो रहा है आपका, यदि आप एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। और हम यहाँ पे अगर 30 डिग्री करें, कंट्रोल एस, ये आपका मूव होगा ठीक है। तो ये होता है एस क्यू एक्स में। अगर यहीं पे हम एस क्यू वाई के यूज करें, एक्स की जगह इसको कमेंट करें, और यहीं पे यूज करते हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में एस क्यू वाई, और इसको आप करते हैं वही 40 डिग्री, DEG, कंट्रोल एस। अब इस पे माउस पॉइंटर लाओ, तो अभी क्या हो रहा था, वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन मूव हो रहा था, अभी आपको वाई डायरेक्शन मूव होगा। वाई डायरेक्शन में कैसे होता है, इस पे आप माउस पॉइंटर लाते हो जैसे, तो ये जो यहाँ पे आपको लास्ट पॉइंट पोजीशन आती है आपकी हाइट की, वो हाइट यहाँ पे कम हो जाती है, ये इंक्रीज होती है, और यहाँ एक साइड में आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है, दूसरे साइड में इंक्रीज होती है, ये आपका हो रहा है। और सेकेंड वाले में क्या हो रहा था, आपके इसके अपोजिट मूव हो रहा था। तो इस तरह से आप क्या इसको रोटेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख 40 दे रो, और यहाँ पे 10 देना है, 10 दे के देख लो, कंट्रोल एस, 10 में ऐसा होगा। और इसके बाद यहाँ पे यदि ये तो एक्स और वाई हमने अलग अलग देखा, देखे अगर हम यहाँ पे दोनों को एक साथ देना चाहते हैं तो ट्रांसफॉर्म में आते हैं, ट्रांसफॉर्म में एस क्यू, एस क्यू के अंदर हमने तीन प्रॉपर्टी देखी है, एस क्यू, एस क्यू एक्स और एस क्यू वाई। तो हम ये फर्स्ट वाले का भी यूज करेंगे, इसमें हम वाई एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों की वैल्यू देते हैं, जैसे देते हैं 40 डिग्री, और फर्स्ट वैल्यू कितनी, 40 डिग्री, और सेकेंड हम करते हैं 10 डिग्री, ये करें कंट्रोल एस। अब आप इसमें माउस पॉइंटर लाओ, तो इसमें कुछ नहीं होता अभी, एस क्यू 40 और नो मूवमेंट, एक सेकेंड, 40 कंट्रोल एस, ये आपको 40 डिग्री यहाँ पे और सभी में, सेकेंड 40 डिग्री, और कॉमा करो, फिर दो आप यहाँ पे 20 डिग्री, कंट्रोल एस। अब देखते हैं तो ये क्या है, एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में ये मूव होगा ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म दोनों डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो बीच में आपको कॉमा लगाना पड़ेगा सेकेंड वैल्यू देने से पहले। तो इस तरह से ये काम करता है आपका स्क्रू प्रॉपर्टी। इसके बाद इसमें और भी चीजें हैं, वो हम देख लेते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे, ये तो इसकी हो गया, इसके बाद आता है आपका स्केल। ट्रांसफॉर्म में नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी आती है, स्केल आता है और रोटेट आता है, तो इन सभी का भी यूज देख लेते हैं।
वो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको कमेंट करें, और इसके अंदर ही हॉवर में ही हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो आता है आपका ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में आपको क्या देखना है, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आप जैसे स्क्रॉल करो इसको तो यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो हम इसमें यूज करेंगे स्केल का, स्केल प्रॉपर्टी, और स्केल में हम देते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यू देते हैं, जैसे 2,2। कंट्रोल एस, इस पे माउस पॉइंटर ले गया हो, ये क्या हो रहा है आपका स्केल में, इसकी साइज है वो इसका 2 गुना इंक्रीज हो रही है, यानी हाइट और विथ दोनों क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। माउस पॉइंटर मूव करो और लेके आओ। तो स्केल में होता क्या है, आपका जो विथ की साइज होती है वो डबल हो जाती है। अब डबल में हमने 2 वैल्यू दी है, अगर यहाँ पे 1 वैल्यू दे सेम काम करेगा वो, लेकिन आपको यहाँ पे अलग से वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा। 5 करें, 5। अब इस पे माउस पॉइंटर लाओ, ये 5 गुना यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। और यदि आप यहाँ पे 1 करते हो, यहाँ पे आप 1 करो, कॉमा 1, कंट्रोल एस, ये 1 पे नहीं होता है, आप इसका 1 से ज्यादा यानी 2, 3, 4 जितने गुना आप उसके वैल्यू को इंक्रीज कर, उसकी साइज को इंक्रीज करना चाहते हो, वो वैल्यू आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे 2 ही देखते हैं, 2 या 3, आपको जो भी देखना है वो आप देख सकते हो। तो ये क्या, उसके हिसाब से जैसे माउस पॉइंटर लाओगे, अब क्योंकि हम हॉवर में यूज कर रहे हैं तो जैसे माउस पॉइंटर लाते हैं वैसे ये चेंज होता है। और इसके बाद ये हो गया आपका स्केल प्रॉपर्टी। ऐसे एक आती है रोटेट, कमेंट करो इसको। नेक्स्ट यहाँ पे करें ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में आएंगे रोटेट। अब रोटेट में आपको मिल जाएगा एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, 3D है, यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल रही है, तो आप इनमें से किसी का यूज कर सकते हो। तो हम इसका यूज करते हैं अभी सिर्फ रोटेट का, और रोटेट में वैल्यू देते हैं, जैसे मान लो 50 या 60 डिग्री दे दो। कंट्रोल एस करो, अब इसमें माउस पॉइंटर लेके आओ, इसका रोटेशन 60 डिग्री होगा। आप इसको 120 करते हैं, कंट्रोल एस, ये 120 डिग्री रोटेट होता है, ठीक है। अगर इसको हम 360 करें, 360, 360 नहीं होगा क्योंकि वो फिक्स है, बॉक्स है आपका, 360 में ही रहता है। इसको 90 ट्राई करते हैं, 90 भी कुछ नहीं होगा। यदि आप इसको कितना करो, 180 करके देखो, इसमें भी कुछ नहीं होता। तो 90, 180 और 360, इन तीनों पे कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन 160 करो और माउस पॉइंटर लेके आओ तो वो मूव होगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में 90 डिग्री पे भी सेम रहेगा आपका, 180 पे भी वही रहेगा, और मूव कितना भी राउंड करेगा लेकिन सेम पोजीशन ही दिखाएगा, इसलिए वो यहाँ पे शो नहीं होता है। 360 पे भी सेम रहेगा, लेकिन जैसे इनके अलावा वैल्यू आप यूज करते हैं तो वो चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप 160 की जगह आप 120 यूज करो, यहाँ पे मूव करो, ये शो होगा। माइनस में यूज करना है वो भी आप यूज करके देख लो, -120, तो आप देखो ये क्या हो रहा है, क्लॉक, इसका क्लॉक क्लॉकवाइज का अपोजिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, माइनस में किए, आप प्लस में करो तो ये इसका अपोजिट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्लस या माइनस दोनों में वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हो, तो ये प्रॉपर्टी आप इसमें यूज करोगे रोटेट पे। आप रोटेट के बाद यहाँ पे आप कुछ चीजें और भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हम आए इसको कमेंट कर दें, तो पहला तो चाइल्ड में जो ट्रांजिशन, यहाँ पे चाइल्ड पे तो इसकी हाइट विथ कितनी है, 50%, इसको हम कर देते हैं 60 px, और यहाँ पे भी हम करते हैं 60 px। ये कुछ ऐसा शो कर रहा है, अब चाइल्ड के अंदर ही जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, और ट्रांसफॉर्म किस में आएगा आपका, ट्रांजिशन में, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में आपको देना है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म अब ट्रांसफॉर्म आपको करना है, जैसे हम 1s कर दें, कंट्रोल एस करें,
अब यदि माउस पॉइंटर लाओगे तो अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने हॉवर में कुछ नहीं दिया है। आपको हॉवर प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे क्या करना है, ट्रांजिशन करते, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म में हम किसका यूज करेंगे, एसक्यू का, SKEW। और एसक्यू में आपको एसक्यू एक्स का करना है, और इसमें हम वैल्यू देते हैं मान लो 20 डिग्री। कंट्रोल एस करें, अब इसमें माउस पॉइंटर लेके आते हैं। इसकी एक काम और कर सकते हो, इसको अभी हम टेस्ट अलाइनमेंट सेंटर, अच्छा डिस्प्ले फ्लैक्स, कल हमने फ्लैक्स प्रॉपर्टी देखी थी, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, टेक्स्ट अलाइन आइटम्स, इसको करते हैं सेंटर, कंट्रोल एस। तो ये हमको यहाँ पे सेंटर में शो हो गया, और इसकी साइज हम यहाँ पे 100 करते हैं, 100 px, इसको भी 100 px। ये बॉक्स आपको शो कर रहा है यहाँ पे, जूम कर लो, ये बॉक्स शो हो रहा है। अब इसमें क्या किया हम, यहाँ पे हम आते हैं, तो चाइल्ड में हमने किया है ट्रांजिशन में ट्रांसफॉर्म यूज किया, और 1 सेकेंड का। और हम इसमें क्या कर रहे हैं, हावर जैसे माउस पॉइंटर लेके जाते हैं तैसे उसी तरह वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा स्क्यू एक्स 20 डिग्री, 20 डिग्री यहाँ पे रोटेट होगा, स्क्यू होगा, रोटेट नहीं होगा, सिर्फ उसकी पोजिशन यहाँ पे क्या होती है, चेंज होती है एक्स और वाई की, यहाँ पे सिर्फ एक्स की जो पोजिशन है वो चेंज होती है। अब इसके बाद ये 1s है, इसको हम यदि कर दें 5, कंट्रोल एस, माउस पॉइंटर लेके आओ, तो यहाँ पे क्या इस और धीरे इंक्रीज होगा, इसकी साइज ये आप चेंजेस देख सकते हो यहाँ पे, ये कैसे काम करता है। तो आप ट्रांजिशन के अंदर ट्रांसफॉर्म का यूज कर सकते हो, अभी हम ट्रांसफॉर्म अलग यूज किए थे, ट्रांजिशन अलग यूज किए थे, लेकिन आप क्या कर सकते हो, और ट्रांजिशन के अंदर ही जो ट्रांसफॉर्म है उसे यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे और भी प्रॉपर्टी आती है, और जैसे हम यहाँ पे क्या करें, पेरेंट पे आते हैं, तो अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, इसको एक्स का यूज कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे अगर कमेंट करें, और इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सारी प्रॉपर्टी आपको ज़्यादातर कहाँ पे यूज करना है, पेरेंट हॉवर पे, जो ट्रिगर है उस पर ही काम करना है। तो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट देते हैं, ट्रांसलेट एक्स और वाई काम करते हैं, हम एक्स को ले लेते हैं, और एक्स में हम करते हैं 300%, ठीक है, कंट्रोल एस करो। अब यदि आप माउस पॉइंटर लेके आओ, मूव कर रहा है, आपने इसको सेंटर में रखा है, हम इसको कर लेते हैं जस्टिफाई कंटेंट कमेंट, तो ये आपका सेंटर में है। आप जैसे माउस पॉइंटर लाते हो, अब क्या हो रहा है आपका, ठीक है, ये देख रहे हो 100%, ये देख रहे हो यहाँ पे जो डिप है वो आपका मूव कर रहा है। अभी तक हम यदि ट्रांसफॉर्म या ट्रांजिशन की बात करें, अलग अलग यूज कर रहे थे, तो सिर्फ वो एक जगह से दूसरे जितनी साइज है उतनी परसेंट जा रहा था, जितनी उसकी साइज थी, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, उसको मूव करवा सकते हो, ठीक है, जैसे माउस पॉइंटर हटाओगे ये रिमूव हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी हम चीजें देख सकते हैं, बहुत से इफेक्ट्स होते हैं। अब वो इफेक्ट्स होते हैं जैसे हमने यहाँ पे देख आपका देख लिया ट्रांसफॉर्म का। अब आप क्या कर सकते हो, ये एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, आपको एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में करवाना है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, सिंपल सा आपको यहाँ पे हॉवर के अंदर आना है, और इसमें ट्रांसलेट एक्स कितना है, 300 px, और इसी तरह आप ट्रांसलेट वाई का यूज कर लो। यहाँ पे आप क्या करो, ट्रांसलेट वाई का यूज कर लो, और इसमें आप कर दो 200%, ठीक है, कंट्रोल एस करो,
अब यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके आओ। ओ इसको अपन यहाँ पे जो अलाइनमेंट है इसको भी कमेंट करते हैं, कंट्रोल एस, ये टॉप पे आ गए। अब इसको एक माउस पॉइंटर लाती हूँ, ये आपका जेड डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, माउस पॉइंटर रिमूव करो वापस चला जाएगा। तो अब जितनी परसेंट वैल्यू दोगे वैसे ये मूव करेगा। तो हमने देखा एक्स में मूव करवा के, वाई में मूव करवा के, और इसके क्या है जेड में मूव करवा के, ये देख सकते हो आप। आपको यहाँ पे रोटेट भी करवाना है, मूव करने के साथ साथ रोटेट भी करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं पे वैल्यू देना पड़ेगा। यहाँ पे जो ट्रांसलेट आप दिए हो इसके अंदर ही आप वैल्यू प्रोवाइड कर दो। यहाँ पे हम कर देते हैं रोटेट, और रोटेट हम करेंगे एक्स डायरेक्शन पे। एक्स पे कितने डिग्री करना है, तो यहाँ पे हम करते हैं 90 डिग्री। कंट्रोल एस, देखते हैं माउस पॉइंटर ले जाके, देख रहे हो चेंजेस जैसे आप माउस पॉइंटर रिमूव करो। ये होता है एनिमेशन, ऐसे एनिमेशन आप बना सकते हो। अब इसके अंदर आपको कुछ टेक्स्ट भी लिखना है, वो भी आप राइट कर सकते हो। चाइल्ड के अंदर आप जाओ, यहाँ पे आपको और टेक्स्ट लिखना है, जैसे हम लिखते हैं कंप्यूटर, ये अपना नाम ही लिख दो, नाम लिखे। अब इसको कंट्रोल एस करें, टेस्ट हो गया। लेकिन अभी कलर पे आते हैं, इसका रेड कलर है, यहाँ पे कलर कोई और सेलेक्ट कर लो आप, कंट्रोल एस, और चाइल्ड पे आके इसमें जो कलर है वो टेस्ट कलर हम यहाँ पे दे देते हैं, जैसे रेड, अरे फोन साइज, हंड्रेड px, ये काफी बड़ा हो गया, इसको हम 100 से 60 px, फिर भी 40 ये चलेगा। और इसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल एस, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर हुआ, और जस्टिफाई अलाइन आइटम्स, इसको भी हम सेंटर करते हैं, कंट्रोल एस, कलर अगर व्हाइट यूज करें इस पे, ठीक है आप कोई भी कलर यूज करके देख लेना। लेकिन हमें जो ट्रांजिशन देखना था वो हमने देखा, कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे आप इस पे माउस पॉइंटर लाते हो तो ये क्या हो रहा है, एक तो मूव हो रहा है और ऊपर से आपका रोटेट भी हो रहा है साथ में। ये था ट्रांजिशन। अब आगे और भी चीजें हैं, जैसे की फ्रेम वगैरह होता है, आपको रिस्पॉन्सिव बनाना है अपनी वेबसाइट को, तो वो चीजें हम कल देखेंगे। और उस पर क्या है, कल काम करके हम उस पर देखेंगे कैसे आप क्या की फ्रेम का यूज करके कोई जो गेम होते हैं, या आपने माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज होता है, विंडोज में आपने उसमें देखा होगा एनिमेशन पे, कि जो यदि आप वहां पे क्या करते हो स्क्रीन सेवर लगाते हो, तो स्क्रीन सेवर में आपका क्या होता है कि कुछ सर्किल टाइप में आते हैं, यानी गुब्बारे टाइप में आते हैं अलग अलग कलर के, तो वैसा वो क्या ऑटोमेटिक मूव करते रहते हैं, तो वैसा अपन कल बना के देखेंगे। और इसी में की फ्रेम का यूज करके की फ्रेम एनिमेशन का। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एनिमेशन पे काम करेंगे।